तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खेओ जीरो बिनो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फ्री फायर में OB39 अपडेट आने के बाद ऐसी कौन सी वेपन्स और गन हैं जिनकी एबिलिटी यानी कि पावर में होगा थोड़ा वो चेंज। तो गाइस, अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में जानना है कि कौन सी गन जो है बढ़िया चलेगी अपडेट के बाद, तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले गन की बात करें तो सबसे पहले गन हमारी निकल के आती है M14, ठीक है, जिसके अंदर चिप्स वगैरह लगती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो M14 में तीन चिप्स लगती है और तीनों चिप्स के जितने भी उसके लेवल होते हैं 1, 2, 3, तीनों लेवल पे गाइस जो है रेट ऑफ फायर को 5% से घटा दिया है। ठीक है, यानी अपडेट के बाद ये जो है इसके अंदर आपको रेट ऑफ फायर हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो गोलियां उतनी तेज नहीं निकलेंगी जितनी अभी निकलती है इसमें से। ठीक है, अब सेकंड गन की बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको सेकंड जो गन है हमारी फार्मर्स होने वाली है, जिसमें 1, 2, 3 तीनों लेवल पे गाइस जो डैमेज है उसको 8% फर्स्ट और सेकंड लेवल पे बढ़ाया जा रहा है और तीसरे लेवल पे 15% डैमेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अपडेट के बाद फार्मर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाली है अभी के मुकाबले। ठीक है, तो तीसरे गन की बात करें, तीसरी गन हमारी यहाँ पे निकल के आती है स्कार। तो स्कार का जो रेट ऑफ फायर है वो तीनों लेवल पे गाइस 3-3% से घटा दिया है, यानी उसका रेट ऑफ फायर कम हो जाएगा, थोड़ी गोलियां धीरे धीरे इसमें निकलेंगी। अब बात करते हैं तीसरी गन की। जो तीसरी गन जो होने वाली है वो होगी हमारी SMG गन, जो कि होने वाली है UMP। तो UMP में गाइस अपडेट के बाद आपको मजल का जो है ऑप्शन वो नहीं देखने को मिलेगा, तो अपडेट के बाद मजल नहीं लगेगी। तो मजल ना लगने से क्या होगा, मजल से गाइस क्या होता है कि आपकी गन की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मजल नहीं लगेगी तो रेंज जो है कम हो जाएगी, यानी कि गाइस अपडेट के बाद UMP की रेंज यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी अगर उसमें मजल नहीं लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मजल से यहाँ पे क्या होता है और अगर मजल नहीं होती तो उससे क्या फ़र्क आपको गन के अंदर देखने को मिलेगा। अगली गन की बात करें तो अगली गन हमारे यहाँ पे निकल के आती है एक और SMG गन, जो कि उन्हें लिए P90। तो P90 के अंदर आपको जो अपडेट के बाद 10% डैमेज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, साथ ही इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी 20% से बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी से क्या होता है कि गाइस आपकी जो गोलियाँ हैं वो मिस नहीं होती हैं, इधर उधर नहीं जाती हैं, वो डायरेक्ट जो एनिमी को ही लगती हैं। ठीक है, तो जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतनी ज़्यादा गोलियाँ एनिमी को लगेंगी। साथ ही गाइस तीसरे एक नया इसमें यहाँ पे बता रखा है बिल्ट इन साइलेंसर, यानी कि गाइस P90 में जो है इनबिल्ट साइलेंसर आपको देखने को मिलेगा अपडेट के बाद, यानी कि जब भी आपको इधर उधर पड़ी गन मिलेगी P90, तो P90 का जो डिज़ाइन होता है उसके अंदर ऑलरेडी गाइस ये जो साइलेंसर इनबिल्ट हो जाएगा, यानी कि इसका कोई स्लोट नहीं आएगा साइलेंसर का, उसमें जो है साइलेंसर इनबिल्ट ही होगा पहले से। जब भी आपको गन मिलेगी कहीं भी पड़ी हुई, जब भी आप उसको यूज़ करोगे उसमें ऑलरेडी साइलेंसर लगा होगा और जो है गन की आवाज़ जो है साइलेंस हो जाएगी। अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं साइलेंसर इसमें नहीं लगता है, अपडेट के बाद इसमें ऑटोमेटिक मतलब इनबिल्ट जो है साइलेंसर लगा मिलेगा आपको। तो अब आती है गाइस हमारी अगली गन, जो कि होने वाली गाइस हमारी मार्क्समैन राइफल्स, यानी कि गाइस हमारी ACAT। ठीक है, तो ACAT में गाइस क्या होगा, अपडेट के बाद से आपको इसके अंदर 20% डैमेज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जो कि गाइस इस गन को बहुत तगड़ा बना देगा, क्योंकि आपको पता है ACAT का काफ़ी ऑलरेडी बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है, 2-3 शॉट के अंदर ही बंदा खत्म हो जाता है। अब इसका डैमेज को 20% और बढ़ा देंगे, बट यहाँ पे सीन ये है कि इसकी जो हेडशॉट की रेंज है उसको यहाँ पे 20% कम कर देगा, यानी कि दूर दूर तक जो आप हेडशॉट मार लेते हो जूम इन करके वो वाले नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है नॉर्मल रेंज में अगर बंदों को मारोगे तो काफ़ी सही हेडशॉट लगेंगे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी रेंज यहाँ पे कम कर दी है, बाकी यहाँ पे जो है इसका डैमेज को बढ़ा दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगली मार्क्समैन गन हमारी आती है वुडपैकर। वुडपैकर की भी रेंज को यहाँ पे 20% सेम जैसे ACAT में रेंज कम की है, सेम वैसे यहाँ पे जो इसकी हेडशॉट रेंज है उसको भी 20% कम कर दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी प्लस नहीं किया गया है, यानी कि इस गन को जो है अपडेट में ख़राब कर दिया है, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्लस भी करते तो शायद ये बैलेंस हो जाती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ भी प्लस नहीं किया है, तो ये तरीके से इम्बैलेंस गन हो जाएगी, इसकी रेंज ही बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगली गन की बात करें तो वो होने वाली गाइस हमारी शॉर्ट गन, यानी कि हमारी M87। ठीक है, तो M87 में गाइस दो चीज़ें यहाँ पे कम होने वाली है अपडेट के बाद। पहली तो गाइस इसकी मिनिमम डैमेज की रेंज जो होती है गाइस वो यहाँ पे गाइस जो है 25% से कम हो गई है, साथ ही गाइस जो इसका मिनिमम डैमेज है वो भी यहाँ पे 10% कम हो जाएगा इस अपडेट में। मिनिमम डैमेज यानी कम से कम ये कितना डैमेज देती है एक शॉट में, वो इसका 10% से कम हो जाएगा, और साथ ही कम से कम कितनी दूरी से आप जो है डैमेज देती थी उसकी रेंज को भी इन्होंने कम कर दिया है। तो बेसिकली इस अपडेट में जो है M87 बहुत ही ख़राब हो जाएगी पहले के मुकाबले, अभी तो वैसे भी खराबी चलती है लेकिन अब इसे और ख़राब कर देंगे अपडेट के बाद। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, आपको इसको अगर सही से चलाना है तो बिल्कुल ही नज़दीक से जाके बंदे को मारना पड़ेगा, तब जाके कहीं 2 या 3 शॉट में बंदा मरेगा। इसके बाद गाइस हमारी अगली गन आती है M500, जिसकी इफेक्टिव हेडशॉट की जो रेंज है उसको फिर से 20% कम कर दिया है। मेरे ख्याल से पिछले अपडेट में भी इसकी रेंज को कम किया था, इस बार फिर से इसकी इफेक्टिव हेडशॉट रेंज को कम कर दिया है। इसके अलावा जो हमारी M24 स्नाइपर है गाइस वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी ग्लू होल के आर पार, डैमेज देगी अपडेट के बाद,
वो क्या करेगी, अब से अपडेट के बाद जो है ग्लूल के आर पर जो एनिमीज खड़े होंगे उनको 40% तक का डैमेज देगी, लाइक एम ए टू भी कितना जो है ग्लूल के आर पर जो है डैमेज देगी, उतना नहीं देगी, सिर्फ 40% तक डैमेज देगी, ठीक है, एनिमी को ग्लूल के पीछे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है डबल द नॉर्मल डैमेज टू ग्लूल, यानी कि जो ग्लूल्स है उनको भी बहुत जल्दी जल्दी तोड़ेगी, इसके ऊपर डबल डैमेज पड़ेगा ना ग्लूल्स पे तो जल्दी टूटेंगी। इसके बाद अदर एडजस्टमेंट में देखें तो यहाँ पे गाइस कटाना और बैट में भी एडजस्टमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे कटाना क्या करेगी, अब से जो है ग्लूल्स को ज़्यादा डैमेज देगी, अगर आप कटाने से ग्लूल्स को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा डैमेज पड़ेगा और ग्लूल्स भी जल्दी जल्दी टूटेंगी। इसके अलावा जो बैट है, अगर आप बैट लगाकर अपने करेक्टर के साथ घूमोगे तो यहाँ पे गाइस आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो 5% जो है बढ़ेगी बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, यानी कटाना अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको जो है ग्लूल्स पर ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बैट लगा के घूमोगे करेक्टर में तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड मिलेगी करेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा क्लैश स्क्वाड मोड में जितनी भी गन आप परचेज करते हो खरीदते हो उनके जो प्राइस होते हैं, यानी कॉइन जितने लगते हैं उनके जो प्राइस को चेंज करा जा रहा है, तो सारे नए प्राइस मैंने यहाँ पे बताए हुए, आप देख लेना पॉज करके, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतनी गन्स अपडेट देने थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे अपडेट पसंद आए होंगे, और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा चेंज बढ़िया लगा और कौन सा गन का चेंज जो है खराब लगा है, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतनी बताना था, ओके बाय।